नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएन इंडिया। फर्जी आईटीसी के रैकेट का भंडाफोड़, 1261 करोड़ लेने का खुलासा हुआ। राज्य कर की एसटीएफ टीम ने छापा कर पकड़े गए व्यापारियों को सीज किया गया। एसटीएफ की टीम ने इस रैकेट में करीब 180 व्यापारियों को अधिकृत रूप से 1261.26 करोड़ की आईटीसी लेने के मामले में खुलासा किया। अब इन व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। जीएसटी चोरी के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में तहत राज्य कर के एसटीएफ ने फर्जी तरीके से आईटीसी लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। यूपी के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और बिहार जैसे सैकड़ों स्टील के आयरन के व्यापारी भी शामिल हैं। अब तक जांच में पाया गया है कि फर्जी आईटीसी रैकेट के अलावा उत्तराखंड एवं हरियाणा के, दिल्ली के 130, राजस्थान के, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 3-3 के अलावा यूपी के 33 सप्लायर भी शामिल हैं। आयरन और स्टील के इन सभी 180 सप्लायरों द्वारा 1261.26 करोड़ रुपए की अस्वीकार आईटीसी लेकर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे थे। रिपोर्ट एमएसएन इंडिया, लखनऊ।